हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमन टेक। और आज के एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन का डिफरेंस क्या होता है। बहुत कोई बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दोनों सिमिलर होता है, बट ऐसे तो कुछ होता नहीं है। और कोई कोई बोलता है कि सॉफ्टवेयर स्पेशली विंडोज़ के लिए होता है और एप्लीकेशन एंड्रॉयड के लिए होता है, बट ये भी कुछ हद तक सही नहीं है। जो रियल थिंग है, मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे ब्राउजर, कुछ भी सॉफ्टवेयर, गेम्स, कुछ फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन, सब इंडिविजुअली काम करता है अपना अपना प्लेटफॉर्म में। जैसे ओ और जैसे फ़ोटो एडिटिंग में खाली फ़ोटो एडिटिंग ही होगा, उसमें गेमिंग नहीं होगा। और जैसे गेम में कोई ब्राउजिंग नहीं होगा। जैसे एप्लीकेशन में जो काम के लिए वो बना गया, उस वही काम करेगा। बट ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर में नहीं है। सॉफ्टवेयर में जैसे आप सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ में इंस्टॉल होता है, उसमें आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना कुछ चल सकता है। ऑपरेटिंग आप उसमें ब्राउज़र भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ गेम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ प्लेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और एक टाइम में बहुत मल्टीपल टास्क हो सकता है। वही डिफरेंस है सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में। अगर आपको कुछ और जानना है इसके बारे में और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो का अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में तो छोटा सा बेल आइकन होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे होगा ये, जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।